हमारे पास मछली ज़्यादा है और बर्फ़ हमारे पास कम है, तो मैं जो है इनसे ले रहा हूँ इरफान से, और बस थोड़ा थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, थोड़ा बहुत टुकड़ा इनसे भी ले लेता हूँ इरफान से, क्योंकि ये इधर ही होते हैं, बर्फ़ ज़्यादा लेकर आते हैं, और ये यहाँ पर जो है वो जाल जाल से झींगे का शिकार करते हैं, मछली और झींगे का। वो देखो वो और भी कश्तियाँ खड़ी है, तो इनसे बर्फ़ मैं ले रहा हूँ और बर्फ़ इसमें डालूँगा मछली में, क्योंकि मछली हमारी ज़्यादा है, बर्फ़ हमने कम ली है। ये लेके आओ, तो गुजारा तो हो जाएगा। वैसे वापसी तो जल्दी होगी हमारी, घंटे डेढ़ में हो सकता है वापसी ही कर ले। ये मछली के ऊपर और अब ये है, चलो इरफान ने बर्फ़ तो दे दी, चारा वगैरह भी इरफान से हमने ले लिया था, अगर कमी पेशी होती तो और भी ले लेंगे। ये देखो अरमान भी जो है वो इनके साथ आया हुआ है, मेरे साथ तो नहीं आ रहा है लेकिन इनके साथ आया हुआ है, और अरमान जो है आजकल जाल के शिकार पे लग गया। अरमान अभी जाल का शिकार सही है ना, 5-6-7 दिन 8 दिन अरमान निकाल के आता है, सही है। और एक और कश्ती आ रही है और वो भी इधर, ये समझ लो मेन स्टॉप है, तो हम लोग इधर ऑलरेडी खड़े हुए हैं, ये इरफान वाले यहाँ पर आके खड़े हैं, और वो आ रहा है अमीर हमजा, तो ये देखें और ये जो है अमीर हमजा, ये देखो ये भी इधर ही आके रुकेगा, तो ये इनका जो है वो मेन स्टॉप है, ये रुकने का मेन बोया जो है ये, और ये ओ, और ये देखो इतने इतने इतनी तेजी से आया ये अमीर हमजा। क्या ले अमीर हमजा, ठीक हो, पियो पियो पियो। अब जाते हैं जोएब के पास जाते हैं, अरमान तो इधर ही बैठा हुआ है। हाँ समीर क्या कर रहा है, हाँ तुम अपनी लांच छोड़ के इनकी लांच में क्यों आगे बैठे, बातें करने आए। अच्छा ये गपशप करने आए, ये समझ लो स्टॉप है ना हमारा, रुकने का, रुकते हैं ना कभी, धूप बहुत ज्यादा है ना तो टिकटॉक पे व्यूज व्यूज आ रहे हैं, नहीं टिकटॉक पे नहीं होता भाई, तो आईडी तो बताओ टिकटॉक की, यही नहीं यार टिकटॉक मिस्टर समीर, मिस्टर समीर, मिस्टर समीर। अच्छा टिकटॉक पर नहीं है यार, स्नेक पर है, लाइव भी, लाइव भी, हां स्नेक पे है मिस्टर समीर। अच्छा और ये इधर जो है ज़ोएब छुप रहा है। हाँ ज़ोएब जी, फारूक भाई कहाँ भाग गया तू, मैं तुझे ढूंढ रहा था, हम साथ में नहा रहे थे, आए थे समंदर पे आए हुए। अच्छा तो कुछ लगा? हाँ थोड़ा बहुत मिल रहा है माल, अभी पानी तेज नहीं हुआ है, पानी बहुत स्लो है अभी, पानी अच्छा। तेज होगा फिर इंशाल्लाह मिलेगा। अभी कौन सी तारीख है? 12 तारीख है, चांद की यानी 12 तारीख, और ये ज्वार छोटा हो गया? छोटा नहीं है मगर बड़ा है, पानी पानी स्लो है, बहुत स्लो है, बहुत पानी है, यानी 15-16 को जो रनिंग में आएगा पानी। ये देखो ये क्या देख रहे हो, फिल्म देख रहे हैं। अच्छा फिल्म देख रहे हो, कौन सी फिल्म देख रहे हो भाई, कौन सी फिल्म देख रहे हो? मद्रासी। अच्छा मद्रासी, हीरो का नाम क्या है? कार्तिक नाम है। और ये देखो ये पानी निकाल के हमें दे रहा है, हाँ मीठा पानी है सलमान, नमकीन शर्मा रहा है, कश्ती में तो होता ही नमकीन है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हाँ मछली मछली दिखाओ, अरमान तुमने क्या पकड़ा है दिखाओ तो सही, कब कब आए हो, कल आए हो? ये कल आए हैं, और ये इन्होंने फिलहाल जो है ये मछली पकड़ी है, ये तो खाने की जितनी है, झींगे विंगे नहीं लगे, झींगे अभी पानी में स्पीड नहीं है, स्लो है पानी, ज़ोएब ने भी बताया है पानी स्लो है, तो अब ये है कि पानी तकरीबन 14 तारीख या 15 तारीख को, क्योंकि डोरी के हिसाब से स्लो नहीं है और स्लो है, डोरी के हिसाब से तो तेज़ है लेकिन इनके जाल के हिसाब से स्लो है, पानी में जो स्पीड आएगी वो तकरीबन 12-13 तारीख 14 तारीख यानी कल परसों से पानी में रफ्तार आ जाएगी, और उसके बाद इनके जाल भी सही टिकेंगे पानी में,
ये गपशप लग रही है आपस में। ये कश्ती वाले इस तरफ चले गए, कुछ कश्ती वाले इस तरफ, यानी दो बंदे इस तरफ आ गए, दो बंदे इसके उस तरफ चले गए, और कुछ हमारी कश्ती में भी आ गए। ये आपस में जो है वो गपशप हो रही है। जब तक धूप ख़त्म नहीं होती, तकरीबन 3, 3:30, 4 बजे जो है हम लोग भी डोरी करने के लिए चले जाएंगे, ये भी अपना जाल जो है वो गिराने के लिए चले जाएंगे। वैसे जो है जोएब का कहना है कि जाल के लिए पानी बिल्कुल स्लो है, लेकिन पानी की आप रफ्तार तो देखें दोस्तों, हमारी डोरी पट पे नहीं लग रही, ये डोरी हमारी जो है टिक नहीं रही है, और इनके जाल के लिए पानी स्लो है। और मतलब ये है कि 13-14 तारीख का पानी और तेज़ होगा, और इनके लिए फिर वो पानी सही रहेगा। ये देखो हमारी कश्ती वो खड़ी हुई है। हाँ साजिद भाई सही है, जाल का वीडियो बना के आते हैं। हाँ वो गुल मोहम्मद और साजिद भाई अभी तक सो रहे हैं, नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है क्या? अच्छा उसने नहीं सोने दिया। ये बात मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। ये देखो ये अभी अजीज भाई भी जो है जाल उठाएगा, और ये 3 जाल हैं, इनके भी 2 जाल हैं, और वो देखो उन्होंने भी तैयारी कर ली है, और हम लोग ये देखो ये बोया जो है बोए पे आके पहुंच गए, और ये बंदे जो है वो तो ऑलरेडी उन्होंने जो है वो तैयारी कर ली है, वो देखो उठा रहे हैं, और हमारे बंदे जो है ये भी उठा रहे हैं। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये तो बताओ ये क्या है? अच्छा ये जाल खींचने के लिए रस्सी जो है वो खींच रहे हैं, ये रस्सी जाल में बंधी हुई है। मैं बता, आज पानी तेज नहीं था, इस वजह से जो है ना जो बुला था वो नीचे छोड़ा है। सही है, अभी जो है ना इसको ऊपर खींचेंगे, सही है, उठाएंगे, सही है, जाल को फिर रस्सी को। अच्छा ये अभी ढीले पानी में आप उठा रहे नहीं, अभी पानी टाइट है, पहले पानी नहीं था। अच्छा पहले पानी नहीं, वैसे फुल पानी तेज पानी में तो नहीं चढ़ा सकते ना, उसमें ताकत ज्यादा लगती है और चढ़ता भी नहीं है। और ये यहाँ से खींच रहे हैं, इंशाल्लाह जाल यहाँ से निकलेगा, और वो ये देखो निकल गया, ये देखो वहाँ से खींच रहे हैं, ये देखो ताकत वहाँ से लग रही है, लेकिन जाल यहाँ से उठ रहा है। करीब आपको जाके दिखाता हूँ, ये देखो, और वो देखो वो अजीज वाले वो भी तैयारी करे हुए हैं, उनका भी जाल उठ गया है, और ये देखो जाल उठ गया, ताकत वहाँ से लग रही है। ये देखो ये जाल आ गया, अब इसको क्या करना है? फारूक भाई अभी आ गया, अभी इसका तजुर्बा बताएं। हाँ बताओ अब क्या होगा, ये क्यों बोल रहे हो भाई? ये जो है ना ये रस्सी खोलने का बड़ा तजुर्बा होता है, ये जो है ना कोई आम खास बंदा नहीं कर सकता। सही है,
मतलब इसको तजर्बा है समीर को, समीर भाई को तजर्बा है, इस वजह से बोला अगर किसी को तजर्बा नहीं होगा वो हाथ इधर फंसा देगा तो हाथ टूट जाएगा। अच्छा नया बंदा अगर इसको खोलने की कोशिश करेगा तो उसका हाथ फंस जाएगा और देखो देखो कितनी तेजी से गए। ये जमीन में लग रहा है, ये देखो बिल्कुल नीचे जमीन पे लगा हुआ था और वो उस पे कीचड़ लगी हुई है और ये देखो जाल किस तरह खींच रहे हैं। इसका दूसरा सिरा यहाँ यहाँ पर है और पहला सिरा वहाँ से और ये दूसरा सिरा। पहलवान बड़ा बंदा आ गया, ये देखें और माशाल्लाह ये मेहनत आप देखें दोस्तों, मेहनत इतनी मतलब एक तो पानी अभी तक पानी में स्पीड है लेकिन उसके बावजूद भी ये क्योंकि इनका दो जाल और भी पड़े हुए हैं जो मैंने आपको गाइड किया था बिबरी वाली साइड पे, क्योंकि ये वंगो वाली साइड है, वंगो क्रीक आगे बिबरी वाली साइड पे, तो इनको तेज़ी से जो है वो जाल उठाना है। पहला जाल ये उठाएंगे, दो जाल मज़ीद उठाने हैं इनको और तेज़ पानी, वरना ये थोड़ा ढीला पानी होता तो इनके लिए आसानी होती, लेकिन ये है कि इनको क्योंकि अब वो जाल अगर नहीं उठाएंगे तेज़ पानी में तो उनमें जितना भी झींगा होगा मच्छी होगी वो जाल से निकल जाएगी, क्योंकि ढीले पानी में मछली की ताकत बढ़ जाएगी और मछली जाल से आसानी से निकल सकती है। और उस वो जो जाल दिख रहा है ना उसमें जो वेट बंधा हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा वो उसमें वजन बांधा हुआ है। हाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर बांधे हुए होते हैं वो, उसकी वजह से जो है ना जाल को नीचे छोड़ते हैं। अच्छा तो वो पत्थर क्यों मतलब पत्थर वो बांधते हैं? क्योंकि उस साइड पर जो है ना दो किले नहीं लगे ना, यहाँ पर दो किले लगे हैं वो जमीन के नीचे। अच्छा उस भूला जाल की जो रस्सी है ना वो ऊपर दरख्त में बंधी हुई होती है तो वो डूबता नहीं है एक साइड, इसलिए उसमें जो है ना वेट बांधते हैं, वेट बांधने की वजह से वो नीचे लेकर जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे। सही सही सही। तो अब ये है कि ये अभी आधा जाल आ गया है यहाँ। हाँ ये मतलब जो आगे वाली साइट है वो आ गई, अभी पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो अभी बाद में चढ़ा है। अच्छा अच्छा। और झींगा और मछली वो पीछे वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में होगा, वो हम आपको दिखाएंगे। सही 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 सही। तो दोस्तों ये देखो कंप्लीट वीडियो बन रही है, आप देख लो, और मेहनत भी माशाल्लाह। ये हमारे नौजवान माहीगीर और अच्छी मतलब ये है कि एक तो ये हेल्दी होते हैं क्योंकि इनको ताज़ा मच्छी झींगा और इनकी हार्ड वर्किंग से जो इनकी वर्जिश होती है तो इनकी बॉडी जो है वो माशाल्लाह वर्किंग के लिहाज से बहुत बेस्ट हो। अभी दोस्तों ये जो है तो थोड़ा ये लंबा लेके जाएंगे तो अब ये है कि मैं इसको जो है वो वीडियो यहाँ पे स्किप करता हूँ क्योंकि वो एक्टिविटी यही होगी, इसमें कोई और मज़ीद एक्टिविटी नहीं है, यही एक्टिविटी होगी। ये क्या कर रहा है? ये घुमा रहा है कश्ती को, घुमा रहा है। अच्छा कश्ती देखो, कश्ती जो है इस तरफ भाग रही है तो इसको घुमाने के लिए देखो ये जो है ये रस्सी इस रस्सी का इस्तेमाल कर रहा है और वो पीछे वाली साइड पे बांध रहा है ताकि कश्ती देखो वापस टर्न कर रही है और इनको आसानी होगी जाल निकालते वक्त। और ये जाल देखो ऊपर आ गया है, ये देखो और वो जाल देखो उसका आखिरी जो सिरा है वो वहाँ पर है, उसकी दुम वाली साइड बोलते हैं उसको, और वो वहाँ पर है और वो देखो ये यहाँ पर बांध, ये क्यों बांध दिया यहाँ? ये कश्ती रुकेगी ना ऐसे घूम कर। अच्छा ये कश्ती जो है आगे पीछे नहीं होगी, इनको जाल चढ़ाने में आसानी होगी इसलिए वो रस्सी जो है वहाँ पर बांध दी है। मतलब जहाँ माल जमा होता है ना वो वाला हिस्सा यही है पीछे वाला। तो अभी माल के चांस थोड़े कम है क्योंकि ज्वार छोटा है, ज्वार छोटा है और दूसरा ये है कि पानी में रफ्तार कम है, पानी में। वैसे मैं जब भी आता हूँ तो ढीले पानी में ही मुझे इसकी वीडियो बनाने का मौका मिलता है क्योंकि मैं डोरी के लिहाज से आता हूँ तो ढीला पानी थोड़ा होता है, वरना तेज़ पानी में इसमें माल ठीक ठाक माल लग जाता है। तो उसमें भी इंशाल्लाह कभी ज्वार में मौका मिला ना, जैसे चांद की 16 तारीख 15 तारीख उसमें जो जाल ये उठाएंगे ना तो उसमें झींगा मछली भरपूर लगता है और ढीले पानी में कम लगता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या लगता है वो आपको दिखाते हैं। और ये देखो ये जो है छोटी छोटी मछलियाँ झींगे ये जो ऊपर जमा हो रही हैं
वो इनको धकेल के देखो वहाँ पर लेके जा रहे हैं, ये बार बार इस तरह ये कर रहे हैं ना, ये मछली झींगा जो भी ऊपर आके चिपक जाती है वो धकेल के इनके बिल्कुल इसके आखिरी सिरे में लेके जाएंगे, आखिरी जो इसका मुंह होगा वहाँ पर लेके जाएंगे और उसको बोलते हैं गुज्जी, और गुज्जी में जाके वो माल जमा होता है। जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा ये अभी दोबारा रस्सी जो है वो खोली जा रही है, क्योंकि अब कश्ती को इस तरह ये टर्न करवाएंगे ताकि इनको अब अगर इस तरह कश्ती होगी तो थोड़ी मुश्किल होगी इनको। और आपको ये दिखा दूँ झींगे, माशाल्लाह आप देख लें ये सारे झींगे हैं जो कि ये धकेलते हुए पीछे लेके जा रहे हैं, आखिर तक लेके जा रहे हैं, और आखिर में उसका मुँह बंद है तो ये टोटल माल वहाँ जमा हो जाएगा। अगर ये वहाँ पर ये छोड़ देते हैं तो फिर यार इनका जो है माल ज़ाया हो जाएगा, ये इधर ही पड़ा रहेगा क्योंकि बाल ये जाल जो है ये दोबारा भी गिराएंगे। तो ये देखें ये टोटल जो है ये लगा है और ये इसका आखिरी सिरा है, यहाँ पर ये बंधा हुआ है, यहाँ से ये माल निकालेंगे जब ये यहाँ पर ऊपर करेंगे तो ये माल यहाँ से ये खोल के फिर निकालेंगे इससे। और माशाल्लाह से अभी भी पानी ढीला है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि माशाल्लाह से झींगे और ये देखो केकड़े, ये देखो। अच्छा ये दूसरा जाल उठाओगे या दूसरा होगा? अच्छा ये रस्सियाँ बांध के फिर ये दूसरा। ये देखो टोटल झींगे आए हुए हैं दोस्तों, आपको दिखा दूं, और साइज झींगे का आप देख लो, माशाल्लाह बेहतरीन साइज के झींगे लगे हुए हैं, वो आप मैं आपको जो है दिखाता हूँ। अभी ये यहाँ से खोलेंगे इस जगह पे, ये देखो ये बंधा हुआ है, इस जगह से ये खोल के फिर इसको गिराएंगे और वो देखो वो दूसरे रस्सी को खींचेंगे, सही है, ये रस्सी खींच कर मुकम्मल करेंगे फिर इसको जो है ना दोनों तरफ से मिला देंगे, सही है। हाँ ये पीछे इंजन स्टार्ट है, इंजन अब ये है कि यहाँ पर ये खींच के दूसरे जाल की तरफ जा रहे हैं। और ये देखो ये जोएब जो है इसने ये जोएब ने ये खोल दिया है इसका मुँह, और अब ये माल गिरेगा और आप देख लेना। ये जेली फिश है, हाँ ये देखो ये जेली फिश है, ये एक्सपोर्ट की जाती है, इसकी ये टांगे जो होती है ये एक्सपोर्ट की जाती है चाइना में, तो वो इसका भी अलग तरीके का रहे केमिकल वगैरह ये वो लगाते हैं। ये झींगे, तो झींगे का साइज देख लो दोस्तों, माशाल्लाह ये साइज है झींगे का, और इससे भी बड़े हो निकलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है जाल में पड़ा हुआ है झींगा टोटल। तो ये देखें ये इन्होंने ये जो है गिराया है, और ये केकड़े देखो ये किस तरह भाग रहे हैं, क्योंकि ये जो है नीचे चले जाते हैं और फिर ये मुश्किल होती है इनको निकालने के लिए। अब ये जेली फिश जो है निकाल के फेंक रहे हैं, क्योंकि जेली फिश इनके काम की नहीं है, क्योंकि ये ना तो फ्रीज की जाती है, क्योंकि ये केमिकल और इनकी इनका एक टाइम होता है जब व्यापारी इनको उठाते हैं, लेकिन फिलहाल जो है ये किसी काम की नहीं है। और ये एक ये सोल फिश भी लग गई है, बाकी झींगा टोटल आप देख लो झींगा झींगा है, और जेली फिश टोटल जो है वो बाहर गिराई जा रही है, और ये जेली फिश भी जिंदा है और वापस ये जो है जिंदा जिंदा जा रही है।
दूसरे जाल में। छोटी छोटी मछलियां भी है लेकिन ज्यादा मिकदार में झींगे हैं यहाँ। हाँ चाड़ी नहीं पो। अब दूसरा जाल तरीकेकार वही है, वीडियो यहाँ से स्किप करेंगे। चढ़ाने का तरीका वही है, बस ये है कि आपको उस जाल में कितना माल लगा है वो आपको दिखाएंगे, कितने झींगे लगे हैं, कितनी मछली लगी है वो आपको दिखाएंगे। वैसे वो देखो उस तरफ भी जो है वो इरफान वाले वो भी चढ़ा रहे हैं, वो अजीज़ भाई जो है वो भी, उसने भी जो है जाल कंप्लीट कर दिया। अब वो अपना दूसरा जाल उठाने के लिए जा रहा है, हालांकि ये इनका भी तीसरा जाल है लेकिन अभी ये दूसरे जाल का आपको माल दिखा देते हैं। चढ़ाने का तरीका अभी फ़िलहाल स्किप करते हैं, ठीक है दोस्तों।